नमस्कार दोस्तों, इस कोरोना काल में बहुत से टीचर्स के सामने एक अजीब सा चैलेंज आया है। जी नहीं, यह चैलेंज सोशल प्लेटफॉर्म पर चलने वाले किसी साड़ी चैलेंज, मेकअप चैलेंज या किसी ड्रेस चैलेंज जैसा नहीं है, ये उससे बढ़कर है। यह चैलेंज कहता है कि तुम्हें रातों रात अपने सभी तरीकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। और एक टीचर कह रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज मुझे स्वीकार है। वह अपनी साधारण सी मुस्कान के पीछे अपना टेक्नोलॉजी ना जानने का डर छुपा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज बच्चों की शिक्षा दांव पर है। यह चैलेंज कहता है कि उन्हें यह सब काम या तो बिना किसी साधन के या बहुत कम साधनों का उपयोग कर पूरा करना है। और एक टीचर कह रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड, मुझे यह चैलेंज स्वीकार है। वो दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी हदों से आगे बढ़कर अपने सीमित साधनों का उपयोग कर डिजिटल लेक्चर बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज बच्चों के शिक्षा दांव पर है। यह चैलेंज कह रहा है कि उन्हें अपना घर कैमरे के आगे सबको दिखाना होगा। और एक टीचर कह रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड, मुझे यह चैलेंज भी स्वीकार है। वो अपने घर के माहौल से बाहर आ रहा है, अपने घर की प्राइवेसी को भूल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज बच्चों की शिक्षा दांव पर है। यह चैलेंज कह रहा है कि उन्हें तब भी पढ़ाना पड़ेगा जब बहुत से स्टूडेंट्स के माता पिता उन्हें पढ़ाते हुए देख रहे हैं, उनकी हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करेंगे, उनकी आवाज, उनका उच्चारण, उनकी ग्रामर, उनके बच्चों के प्रति आचरण सब कुछ जानेंगे। फिर भी वो टीचर कहता है, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज मुझे स्वीकार है, क्योंकि उसे पता है कि आज बच्चों की शिक्षा दांव पर लगी है। यह चैलेंज ये भी कहता है कि इतना सब करने के बाद भी शायद ही उन्हें सैलरी मिल पाएगी। उन्हें बार बार ऑनलाइन ये कहना पड़ेगा कि मेरी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर भी बहुत से लोग बिना कुछ किए चले जाएंगे। फिर भी वो टीचर कह रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड, मुझे ये चैलेंज स्वीकार है। वो अपने दिल की गहराइयों में अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर चिंता में तो है, पर फिर भी वो अडिग है, क्योंकि उसे पता है कि आज सच में बच्चों की शिक्षा दांव पर है। इन कभी ना थकने और कभी ना हार मानने वाले योद्धाओं का सम्मान क्या हम शब्दों में बयां कर सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चे का पालन पोषण बेशक उसके माँ बाप करते हैं, लेकिन उसका मानसिक विकास केवल उसके टीचर ही करते हैं। एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए एक मार्गदर्शक, एक दिशा निर्देशक का काम करता है, जिससे कि वो अपनी सफलता को सही ढंग से पा सके। तो आइए नमन करें उन सभी टीचर्स को जो इस तरह के चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें, उनका किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वे सफलता को पा सके। नमन करें इन सभी टीचर्स को, क्योंकि उन्हें बच्चों की परवाह है, उन्हें बच्चों की सच में परवाह है।